आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज, मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज मेरे साथ मौजूद है अटल समाज सेवा संस्था के अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष नजीरुद्दीन फारूकी साहब। आज इन्होंने फिर एक बार हमें आवाज़ दी, कहा कि वक्फ बोर्ड का जो विषय चल रहा है, जो मामला चल रहा है, प्रकरण चल रहा है, इसके ऊपर मैं कुछ बात रखना चाहता हूँ, मुसलमानों के सामने रखना चाहता हूँ, सरकार के सामने रखना चाहता हूँ। चलिए जानना चाहेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है और वो अपनी मन की बात क्या कहना चाहते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, ऐसी क्या बात है कि जो आप इस चैनल से कुछ कुछ कहना चाहते हैं? पहले तो मेरे देश के, शहर के, तमाम समाज के लोगों को मेरा आदाब, सलाम, नमस्कार। आज का जो विषय है जी, कि आज औरंगाबाद शहर में, महाराष्ट्र राज्य में और आप देखेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में जी, आज जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के ऊपर जो सरगर्मियां देखी जा रही है जी, जो मुसलमानों में बेचैनी देखी जा रही है कि कहीं हमारा ये इदारा हमारे हाथों से ना चला जाए जी, आज इसी मुद्दे पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं जी, कि आपको और इस समाज को मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है तो ये पैगाम देना चाहता हूँ, क्या ये हमारी नाअहली नहीं है कि जो आज गवर्नमेंट हमारे ही दिए हुए दान पर हमारे बुज़ुर्गों ने जो ज़मीनात, जायदाद जो वक्फ किया अल्लाह की राह में खालिस मुसलमानों के लिए, उस ज़मीनात को आज सरकार हड़पना चाहती है, ये केंद्र सरकार हड़पना चाहती है। तो मैं कौम के जो ठेकेदार बन के बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, क्या आपकी नाअहली आज हम पर शामत बनी है? वरना किसी सरकार की ये मजाल नहीं है कि वो हमारी ही दी हुई ज़मीनात के ऊपर, हमारे ही इदारे के ऊपर किसी बिल का अमेंडमेंट करें। क्या हमारे नेता अभी तक सो रहे थे? इससे पहले भी मैंने जो है तो कहा था, और अंसारी साहब आपके चैनल ने भी उसे कवर किया था, मैंने 2000 लोगों के फॉर्म वक्फ बोर्ड के अंदर, मेरे साथ तमाम माँ बहनें, गरीब, गोर गरीब, मुसलमान, तमाम लोग जो है तो वक्फ बोर्ड को आए थे, और मैंने वक्फ बोर्ड में ये अर्ज़ किया था कि औरंगाबाद के अतराफ में जितने भी ज़मीनात खाली पड़े हैं, उस पर जो है तो गोर गरीब, यतीम, यसीर, बेवा, जिनके लिए ये ज़मीन वक्फ की गई है, उनको उस ज़मीन पे बिठाने का काम करो जी। मगर किसी नेता ने उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाया। आज प्रशासन एक बिल लेकर आता है तो बच्चा बच्चा आज उसके अंदर जो है तो बेचैनी देखी जा रही है, वो है कि वो स्कैनर को, बारकोड को जो है तो स्कैन करने में लगा है कि हमारा इदारा बच जाए, हमारा ये बिल किसी न किसी तरह से ये तो रद्द हो जाए। मगर मैं कहना चाहता हूँ उन नेताओं से, उन मुसलमानों के ठेकेदारों से, कि क्या हुआ था, क्या आपको ये समझ नहीं थी, क्या आपको ये मालूम नहीं था, क्या आप गहरी नींद में सो रहे थे? मगर आप अंसारी साहब इतिहास उठा कर देखेंगे तो ये जो राजकीय गुंडे हैं, ये जो राजकीय समाज के दुश्मन हैं, यही वक्फ बोर्ड की ज़मीनात के ऊपर कब्जे बना के बैठे हैं। आज अकबरुद्दीन आवेसी, असदुद्दीन आवेसी के आम उनके ऊपर आवाज़ उठती है कि उनके पास लाखों एकड़ ज़मीनात जो है तो उन्होंने हड़प की है, मगर देखने को यह मिलता है कि उन्होंने जो ज़मीनात उन्होंने एक्वायर किया है, उसके ऊपर कॉलेजेस, स्कूल, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट नज़र आते हैं कि जिससे वो समाज की जो है तो, समाज का जो है तो कहीं ना कहीं उससे फला बहबूदी का काम हो रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और यहाँ के एक जो गयूर मुसलमान अपने आप को बहुत बड़े नेता बोलते हैं, जो अपने समाज के ठेकेदार बोलते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि औरंगाबाद शहर में कितने गुंडों के पास, जो राजकीय क्षेत्र में अपना दबदबा रखते हैं, ऐसे गुंडों के पास में, ऐसे बड़े बड़े नामचीनों के पास में वक्फ बोर्ड की ज़मीनात है? कब उनसे पूछेंगे कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है?
कोई भी हो, आमदार हो, खासदार हो, और वो जो है तो मैं आपको खुसूसन बताना चाहता हूँ कि आज जो है तो औरंगाबाद की कई एकड़ ज़मीन गैरों के ताबे में है, जिससे वक्फ बोर्ड का कानून ये कहता है 53A कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन खालिस और खालिस मुसलमानों के लिए है। ये मंशाए वक्फ है, यह किसी को दी नहीं जा सकती, किसी मंत्री संतरी किसी चोर भामटे को नहीं दी जा सकती है। तो यहाँ के जो राजकीय क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम पर, बड़े बड़े अहदों पर बैठे हैं, जिनके पास 80-80, 85-85 एकड़ ज़मीन हमारी वक्फ बोर्ड की है, कब हमारे नेता पूछेंगे? ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ये समाज से पूछना चाहता हूँ कि कब जागेंगे आप? सर, मेरा सवाल है, जैसा आपने आरोप लगाया कि औरंगाबाद के कई अगर अदर समाज के लोगों के पास ज़मीन है, तो वक्फ बोर्ड में जो बैठे हुए जो लोग हैं, मतलब मेंबर बोलिए जो भी है, ये तो सब मुसलमान हैं। और जब इन्होंने अगर उनको कानून के जो भी कानून फ्रेम में बिठा कर दिया होगा, तो इसमें उन नेताओं की गलती क्या है? देखिए, 53A का कानून मंशाए वक्फ जी, ये कानून ऐसा है कि इसके अंदर जो है तो खालिस मुसलमान और वो भी यतीम यसीर बेवा, इसके तहत ही ये ज़मीन से जो भी इनकम होगा, यानी मौजन इमाम, इनको दी जा सकती है या फिर उनके यूज़ के लिए दी जा सकती है। ना आप औरंगाबाद की जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनात है ऐसे लोगों के पास में है, ना वो मजबूर है, ना वो लाचार है, ना वो यतीम है, ना वो यसीर है, ना वो बेवा है, उनके पास कोई बुनियाद ही नहीं है, बल्कि वो मंत्री है, बल्कि वो बड़े अहदेदार है, ऐसे लोगों के पास में वक्फ बोर्ड की ज़मीनात है, इसके लिए समाज कब उठेगा? आप क्रांति चौक से लेके चिखल थाना तक जी, तमाम देशमुख हो, जैन हो, मारवाड़ी हो, अन्ना सेठ हो, धन्ना सेठ हो, तमाम के पास में हमारी वक्फ बोर्ड की ज़मीनात है। आज वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के ऊपर तमाम जागरूकता हो रही है, स्कैन किए जा रहे हैं कि हमारा वक्फ बोर्ड बच जाए जी। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये धन्ना सेठ जो क्रांति चौक से लेकर जो चिखल थाना तक जो बैठे हैं, जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनात के ऊपर बैठे हैं, तो उनको कब हटाया जाएगा, उनको कब निकाला जाएगा, उनसे उनकी ये ज़मीनात के ऊपर से मुसलमानों को कब हक दिया जाएगा? क्या उनका किराया जो है तो आज की डेट के हिसाब से लिया जा रहा है क्या? क्या ये जो इदारा है वो वक्फ बोर्ड जो मुसलमानों की रहबरी के लिए बनाया गया है, अगर ये इदारे के लोग अगर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो समाज ने वहाँ जाकर खड़े होना चाहिए, इनको जूते मारना चाहिए कि भाई ये धन्ना सेठ के पास ये ज़मीन क्यों गई? 53A का एक्ट ये बताता है कि कोई भी गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं दी जा सकती, तो फिर ये गैर मुस्लिम यहाँ पर बैठे कैसे है? ये उनसे पूछना चाहिए। और वक्फ बोर्ड के अंदर जो है तो बहुत सारे चेंजेस करना चाहिए कि भाई उनका एक हटाव पथक होना चाहिए, उनके पास पुलिस प्रोटेक्शन होना चाहिए कि जो बेबुनियाद बे कानून को तोड़कर जो है तो कानून के सहारे से जो आज जो बैठे हैं वहाँ पर, उनको वहाँ से हटाना चाहिए। ये वक्फ बोर्ड का काम है। आज देखिए, शाहगंज के अंदर 500 रुपये के किराए के ऊपर जी हज़ारों लोग जो है तो वहाँ से फ़ायदा उठा रहे हैं। आज जो है तो आपको वहाँ दुकान के सामने अगर गाड़ा खड़ा करना है तो 1000 रुपये रोज़ देना पड़ता है। इतनी बड़ी ज़मीन, इतना बड़ा जो है तो दुकान 500 रुपये महीने से दी गई है, ये कौन पूछेगा? सर, मार यही बात है ना, मोदी जी जो सरकार एक्शन में आई, जब उन्होंने देखा कि मुसलमानों के जो जिम्मेदार है वो इस तरह के काम कर रहे हैं, तो फिर मोदी जी ने सोचा चलो हम उनसे अच्छा काम करते हैं, हम अच्छे उससे बड़े बड़े धंधा छिड़कू देते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी और ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, हमारे मुसलमान सोए हुए थे, हमारे मुस्लिम समाज के लोग सोए हुए थे, हमारे नेता सोए हुए थे, वो जो तो इससे गाफिल थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई जो वक्फ बोर्ड को जो जिस तरीके से इनकम होना चाहिए, क्या आपने उस तरीके से किया है? और जो है तो मोदी हो, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, ये जो है तो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट जो बिल ला रही है, तो ये सरकार ने दी हुई कोई जायदाद थोड़ी ना है, ये हमारे खालिस मुसलमानों ने दी हुई जगह है, ये हमारे गयूर मुसलमानों ने दान करी हुई जगह है, इसका राज्य सरकार केंद्र सरकार से कोई लेना देना नहीं है। ये
प्रॉपर्टी मुसलमानों की है, ये वक्फ बोर्ड इदारा मुसलमानों का है, इसके ऊपर राज्य सरकार और केंद्र सरकार किस तरीके के बिल ला सकती है सर? लेकिन जैसा अखबार में आया है कि जैसा आपने बताया, आरोप लगाया, कुछ बातें हमें को भी मालूम है कि जो बदवानी हुई, भ्रष्टाचार हुआ, उसको देख के जो सरकार एक्शन में आई, सरकार बोल रही कि चलो तुम्हारे से संभाल लेने जा रहा, तुमने 950 हुकूमत करे हुए है, अब तुम कौड़ी काम के नहीं है, चलो हम संभालते हैं। सरकार कौन सी गलत बात बोल रही है? जब तुम संभाल नहीं सकते, तुम्हारा प्रॉफिट संभाल नहीं सकते, तो सरकार अगर संभाली पोजिशन में है तो उसमें बुरा क्या है साहब? नहीं नहीं तो सरकार देखिए अंसारी साहब, आप भी एक मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं, मैं भी एक मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूँ, सरकार को हक ही नहीं बनता है। जो जायदाद मुसलमानों ने अपने समाज के लिए वक्फ की है, तो वो सरकार उसके ऊपर किस तरीके से अमेंडमेंट बिल ला सकती है? ये प्रॉपर्टी मुसलमानों की है और ये इदारा मुसलमानों का है, यहाँ पर मुसलमानों ने जागरूक होना चाहिए और जागरूक होकर हमारा जो हक है उसे बचाने की कोशिश करना चाहिए। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं, कोई मोदी ने किसी समाज को जो है मुस्लिम समाज को दान की हुई ज़मीन नहीं है कि वो आएंगे और कोई भी अमेंडमेंट बिल लेके आएंगे और मुस्लिम समाज मान लेगा। ये जो है तो गयूर मुसलमानों ने मुसलमानों के जो निचले तबके के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके लिए वक्फ की हुई ज़मीन है, ताकि जो है तो गोर गरीब यतीम यसीर बेवाओं को इसमें से हक दिया जाए, उनकी उनकी लाइफ को आगे खींचा जाए। इसलिए ये दान किया गया हुआ प्रॉपर्टी है, ये किसी मोदी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है कि अमेंडमेंट बिल लेके आ जाएगा, कुछ भी ला लेंगे और मुसलमान जो है तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, कोई भी सरकार हो, अगर मुसलमानों के खिलाफ में जाने की कोशिश करेंगी तो मुसलमान जो है तो रास्ते पर उतरेगा और इसका जवाब जो है तो उनकी ही भाषा में देगा। सर एक बात है, जब इतनी तबाही बर्बादी हुई, जब मुसलमानों को रहती हुई, तो हम किस मुँह से, यानी कि मुसलमान किस मुँह से जो है तो भाजपा सेना को बुरा बोलेंगे? सवाल तो ये भी है ना, जब खुद जिम्मेदार आप है। देखिए हम भाजपा और सेना की बात नहीं कर रहे, आज जो है तो सरकार में भी तो वही है, आज जो है तो सरकार में वही है ना, भाजपा भी है ना। हम सरकार के ही जो सरकार ने जो अमेंडमेंट बिल लेके आया है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, हम सरकार को जवाब देंगे। देखिए संविधानिक जो है तो हम जो है तो इस देश के रहवासी है जी, हम कोई पाकिस्तानी नहीं है। हम जब देश का बंटवारा हुआ तब हम देश को छोड़ कर नहीं गए, हम हिंदुस्तान में रहे, यानी हमने ये सबूत दिया है कि हम हिंदुस्तानी है, हम इस सरजमीन के अंदर हमारे बुजुर्ग आराम फरमा है, हम जो है तो इस देश का एक अंग का टुकड़ा है जी। हम जो है तो किसी बाहर अफगानिस्तान से आए हुए नहीं है, हम इस देश के रहवासी है और इस देश में रहकर संविधानिक तरीके से हम हक मांगेंगे। और ये यहाँ पर हक की कोई बात ही नहीं है, ये हमारे बुजुर्गों का देन है, ये हमारे बुजुर्गों ने दी हुई जायदाद है, जिसके अंदर कोई भी सरकार हमसे जो है तो दावा नहीं कर सकती है, कोई अमेंडमेंट बिल नहीं ला सकती है। मैं आपके ये चैनल के माध्यम से मेरे समाज को जागरूक करना चाहता हूँ कि आपको रास्ते पर उतरना पड़ेगा, आपको आंदोलन करना पड़ेगा, संविधानिक तरीके से हमको रास्ते पर उतरना पड़ेगा। और जो है तो ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो मुसलमानों के नाम पर षड्यंत्र कर रही है, जो प्रॉपर्टी के ऊपर जो है इसकी गंदी निगाह है, तो ये समाज को उतरना पड़ेगा। और मैं समाज के अंदर जो ठेकेदार बैठे हैं हमारे, जो मुस्लिम समाज के नाम पर जो है तो राजकारण करते हैं, मुसलमानों को समझाने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों को बहकाने की कोशिश करते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप जो है तो आपके पास जो जायदाद है मुसलमानों की, जो वक्फ बोर्ड की जायदाद, आप देखेंगे औरंगाबाद का राजकारण उठा के देखेंगे, औरंगाबाद के नेताओं का इतिहास उठाकर देखेंगे, तो सबसे पहले इनके पास की ज़मीन जो है तो छीनना चाहिए। हर नेता के पास में जो है तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, चाहे इम्तियाज़ जलील हो, चाहे कोई भी हो, आज आपको तो उस हर किसी के पास में आपको जो है तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन दिखेंगी। तो पहले तो जो है तो गरीबों का हक जो है तो नेताओं ने देना चाहिए, उसके बाद अमेंडमेंट बिल की बात करना चाहिए। और अमेंडमेंट बिल लाने का सवाल ही नहीं आता, किसी की जो प्रॉपर्टी है, अगर नज़ीरुद्दीन फारूकी ने कोई चीज़ खरीदा है तो उसके ऊपर सरकार कोई बिल नहीं ला सकती है। आपका नाम आपको बता? मैं नज़ीरुद्दीन फारूकी, अटल समाज सेवक, और तमाम मुसलमानों से ये खुसूसन मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो है तो रुक सकता है बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा हक की ज़मीन है, हमारे हक के लिए दी गई ही ज़मीन है, इसके लिए रास्ते पर उतरना पड़ेगा, वरना आपको जिसे इसी तरीके से हल्के में लिया जाएगा। देखिए इस तरह से नज़ीरुद्दीन फारूक साहब ने जो है तो अपने ख्यालात को पेश किया गया, काफ़ी उन्होंने आरोप भी लगाए, वो आरोप जो है तो आपके सामने है, जनता के सामने है, हम ज़्यादा इस पर कह नहीं सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं भी औरंगाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ, समाज के दरमियान से आता हूँ और मुस्लिम समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे भी जानकारी है। मैं तो ये कहूँगा कि जो सरकार जो एक्शन में आई है, ये गरीब मुसलमान के बदवाओं का नतीजा है। आप हैरान हो रहे होंगे कि बदवा कैसी,
ये गरीब मुसलमान रहे, यतीम या सिर्फ बेवाओं की बदवा का नतीजा मोदी सरकार एक्शन में आई है। बड़ा अफसोस की बात है, जब वक्फ बोर्ड आपके पास था तो आपने गरीब मुसलमानों को बिठाने का काम क्यों नहीं किया? धन्ना सेठ के दोनों का काम कैसा हुआ? गरीब मुसलमानों को फ़ायदा क्यों नहीं हुआ? अरे शर्म की बात है कि औरंगाबाद के अंदर मौजन इमाम जो है तो धरना देते हैं कि हमको ज़मीन दो, हमको घर दो। इमाम साहब जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं, इसके आमीन कहते हैं, इसके पीछे नमाज कबूल होती है, बड़ी शर्म की बात है। और शर्म से डूब मरने वाली बात है कि हमारे मस्जिद के काबिल एहतराम उलमा इकराम मौजम जो है तो वो बोलते हैं हमको घर नहीं है, हमको कॉलोनी बना के दो। ये उनकी बदवा का नतीजा है। वो नमाज में दुआ करते अल्लाह ताला, वक्फ भी पड़ी हुई है और हमने क्या करना, ये उनकी बदवा है। यकीन मानो आज ये ज़मीनात पे आई है, कल ये आपकी बदवाएँ काम करेंगी। अगर गैरत है या अगर ईमान जिंदा है तो अभी भी जागिए और उनके लिए जो हकदार है असल उनके लिए काम पे लगिए। ये बचाने के साथ साथ ये अभियान भी छेड़िए, नहीं तो बचाने चक्कर में 10 साल निकल जा रहे, ज़मीन बच जा रही, मालूम पड़ा ज़मीन गायब हो गई। ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं अगर सच में अगर आप जो है तो वफादार है और कौम की बात करते हैं तो अब ये वक्त प्रैक्टिकल करने का है, भाषण देने का, आश्वासन देने का ये नहीं है। और याद रखो, इसके अंदर मोदी सरकार की कोई गलती नहीं है, तुम्हारी अपनी लापरवाही है। जब तुम अपने हाथों से कारनामे अंजाम दे रहे थे उस वक्त क्या चल रहा था कि मुसलमान थे, ये जवाब पूछना चाहिए। मैं भी पूछता हूँ एक कौम उम्मत के होने के नाते, उम्मीद करता हूँ सबसे पहले अपने गिरिबान में झांकिए, अपना महासभा कीजिए, वरना याद रखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन है किसको छोड़ेगा नहीं, चाहे आप रहो या मैं रहो या मेरा बाप रहो, छोड़ेगा नहीं। गरीब यतीम की बदवा लगेंगी और तबाह बर्बाद हो जाएंगे हर एतबार से, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन सब जानता है। देखते रहिए आप SWN चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।